संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारत बंद में झोंकी ताकत। हरियाणा में दिखा जगह जगह जाम। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई सख्ती। हरियाणा में होली को लेकर नए निर्देश जारी। उल्लंघन किया तो होगी बड़ी कार्रवाई। किसानों के भारत बंद पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का ट्वीट। बोली, किसान न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे और उनकी जीत अवश्य होगी। और अंबाला में गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा। प्रदीप और राहुल की नहीं, मनी और मनीष की लेनी थी जान। एफबी पोस्ट ने खुला राज। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा के बीच छिड़े जल विवाद पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जितना पानी अभी दिल्ली को दिया जा रहा है उतना पानी अगले आदेश तक दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा हम पर्याप्त पानी दे रहे हैं। 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई यानी 6 अप्रैल तक दिल्ली को पानी की सप्लाई पर यथास्थिति बनी रहेगी। दिल्ली हरियाणा यमुना जल विवाद पर पंजाब सरकार के साथ साथ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हिस्से के पानी में 25% कटौती करने की योजना की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का हवाला देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि नहर में कई जगह मरम्मत कार्य की वजह से सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी अर्जी में कहा कि अदालत पंजाब सरकार और भाखड़ा बोर्ड को निर्देश दे कि वह मरम्मत का काम मानसून में करे ताकि गर्मियों में दिल्ली को जल आपूर्ति में बाधा ना पहुंच सके। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर अंबाला में सुबह 6 बजे से दिखना शुरू हो गया, जिसके चलते किसान सुबह 6 बजते ही दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों के आंदोलन के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया और इस दौरान किसानों के आगे हाथ जोड़कर और रो रोकर उन्हें आगे जाने की अपील भी करते दिखाई दिए, लेकिन किसानों ने एम्बुलेंस के अलावा किसी भी वाहन को जाम से निकलने नहीं दिया। नहीं हो रहा है। मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे चंडी मंदिर जाना, लेकिन सिर्फ आज की अपॉइंटमेंट और ये लोग देखिए ना, जाने नहीं दे रहे। किस चीज की अपॉइंटमेंट है मैम, कहाँ ज्वाइन करना आपको? मुझे आर्मी स्कूल चंडी मंदिर में एज ए टीचर ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आज नहीं गए तो फिर इतनी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। इसके बाद आगे भी जगह जगह रास्ते बंद है, आपको लगता है पहुँच पाएंगे? क्योंकि इसके बाद लालडू बंद है, डेरा बस्ती बंद है। इनको पब्लिक ये कमर्शियल व्हीकल्स को रोके, लेकिन जो सवारियों वाली बसें हैं उनको क्यों रोक रहे हैं? उसमें भी तो इनके भाई बहन सब बैठे हुए ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता बैठा हुआ जिसको ये रोक के खड़े हुए हैं। आप ट्रक को रोको, कमर्शियल व्हीकल को रोको, लेकिन सवारियों को क्यों रोक रहे हो? लोगों को तो काम जो 5 सीटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब जब ये किसान का कभी नाम ही नहीं लेते थे, अब कम से कम किसानों की बात करने लगे हैं। अब हमें भी समझ में आ रहा है भी कहीं ना कहीं इसकी भी समझ सरकार की समझ में आ रहा है भी एक देश का बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। इसको कोई भी पार्टी है उसको ना धर्म प्यारा है ना कर्म प्यारा है, सबसे प्यारी उसको वोट बैंक होता है। तो वोट बैंक को बचाने के लिए हम उम्मीद करते हैं ये सरकार कहीं ना कहीं इन कानूनों के बारे में
कुछ विचार आने वाली बात नहीं है। जैसे इन्हें आह्वान किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब ने और प्रशासन ने पूरी मुस्तैद है, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। सर सड़क और रेल ट्रैक पर दोनों पर पूरी पुलिस तैनात? हाँ, पूरी पुलिस का प्रबंध किया गया है, पुलिस पूरी तैनात है। रेल ट्रैक को भी हम देखेंगे और जीटी रोड को भी देखेंगे, कोई शरारती तत्व कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस मुस्तैद। रोड डाइवर्जन पीछे से किया गया है, पीछे हमारे यहाँ शाहबाद से किया गया है और पीछे किया गया। किसानों के भारत बंद के समर्थन में हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी उधर आई है। कुमारी शैलजा ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि अहंकार और अन्याय जनता के सत्याग्रह और संघर्ष से हमेशा पराजित होता आया है। किसान न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं और उनकी जीत अवश्य होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव रोहतक के निंदाना में किसानों ने गोहाना मार्ग पर जाम लगाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने कहा कि अब तक लगभग 300 किसानों ने शहादत दी है और किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जमींदार भाइयों की मैं तहे दिल से बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे जमींदार भाइयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज ऐसा दिन था जो मेरे मनोहर लाल खट्टर जी मेरे गांव के हैं, उनको मतलब बहुत सहयोग देना चाहिए था, लेकिन उनका अधिकार सब कुछ छीना गया है। ये इसीलिए लगा रखा है, पूरा वार्ड बंद और शांति से करो, शांति से रहो, को बाहर भीतर का उनका खाना का भी इंतजाम है, ये इसलिए लगा रखा है। अच्छा, फिर ये मनोहर लाल साहब हैं हमारे गांव के, हमारे साथ खेले हुए हैं, एकदम हमारी एक किला बंदी एकदम पड़ी है, कई तो कई कई किले लुआ रहे, किसी का एक बीघा नहीं, समलाज से ये कटी मेरा आधा किला का सारा साफ हो रहा है, एक खुद नहीं रह रहा, और किसी ने तो कई कई किले मिल रहे हैं। इनते ये काम गलत करा रखा, जो ये मड़ा रखे थे ना कमेटी के मेम्बर, इन्हें करा रखे ये काम, इनकी गरीबों की सुनाई कराए, हमारी किलाबंदी बड़ी होनी चाहिए, ये मैं हमारा गांव का अमन और लाल उसकी सुनाई करनी चाहिए गांव की जरूर। कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी सप्ताह में आने वाले होली पर्व को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने और पूजा आदि के लिए भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में लोग सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट और धार्मिक स्थल पर होली का त्यौहार नहीं मना सकेंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से जारी अधिसूचना में प्रदेश भर के डीसी और एसपी को नियमों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया कि पिछले 15 दिनों से कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में आशंका है कि होली के त्योहार पर लोगों के एकजुट होने के कारण संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता मर्डर केस में सजा का जो ऐलान है वो हो चुका है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड में फरीदाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों तौसिफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया था। दोनों दोषियों की सजा पर आज कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया। तौसिफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह ही तौसिफ रेहान को फरीदाबाद की कोर्ट में लाया गया, जिसके बाद सजा पर बहस हुई। फरीदाबाद कोर्ट ने सजा का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी और मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की अपील की थी। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि दोषी मेडिकल का छात्र है और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, ऐसे में इसे ध्यान में रखकर सजा दी जाए। और अब जो बड़ी खबर मिल रही है, निकिता तोमर हत्याकांड में जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। रेहान तौसिफ दोषी करार दिए गए थे और अब दोनों दोषियों को उम्र कैद की जो सजा है वो भी सुना दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। कोर्ट ने इस मामले में तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया था। दोनों दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस हुई थी और इसके बाद सजा का ऐलान जो है वो कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर, जिस पर बहस पूरी होने के बाद अब सजा सुना दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक शहर के बाजार में भारत बंद का असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि रोहतक शहर के चारों तरफ सभी रास्तों को किसानों ने जाम कर दिया। किसानों द्वारा सभी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली हाइवा कंबाइन को लगाकर रोहतक की तरफ आने जाने वाले सभी रास्तों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जबकि रोहतक शहर के अंदर बाजार खुले रहे। इनको बंद कराने के लिए किसानों द्वारा निवेदन किया गया, लेकिन कुछ एक व्यापारियों को छोड़कर सभी ने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे। हरियाणा के फतेहाबाद में भारत बंद के आह्वान पर शहर भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लालबत्ती चौक पर लगे बीजेपी के पोस्टर को फाड़ दिया और बाद में आग के हवाले कर दिया। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के आह्वान पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा। सड़क और रेल मार्ग किसानों ने ठप्प कर दिया। करीब 7 बजे 30 से 40 की संख्या में किसानों ने पहले रेलवे स्टेशन पर आकर रेल ट्रैक पर जाम लगाया और फिर रोहत टोल पर NH9 पर भी जाम लगा दिया। उधर बाईपास के नया गांव चौक पर किसान जाम लगाकर बैठे। रोहत टोल पर प्रदर्शनकारियों के आने से भारी संख्या में वाहन चालकों को परेशानी हुई। यहां पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों ने प्रदर्शनकारियों के सामने मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। ऐसे में भारी संख्या में राहगीर सड़कों पर फंसे नजर आए। उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का असर दादरी में दिखाई दिया। यहां बाजार पूर्णतः बंद रहे, सिर्फ मेडिकल शॉप ही खुली दिखाई दी। हरियाणा के दादरी जिले में फतेहगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसानों ने नारेबाजी की। वहीं जिले में दर्जन भर जगहों पर रोड जाम किया गया। जगह जगह पर रोड जाम करने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। यात्री और वाहन चालक परेशान दिखाई दिए।
भारत बंद है ये किसानों की वजह से है। किसान इतने दिन से बैठे हुए हैं, हम किसान के पुत्र हैं, इसलिए कलम छोड़ हड़ताल दादरी बार ने की है, तो हम बिल्कुल काम पर नहीं लौटेंगे, पूरे दिन हड़ताल रहे और समर्थन करते हैं, भारत बंद का हम समर्थन करते हैं। और आगे की जब तक किसानों का जो ये मांग है, किसानों के तीनों काले कानून तब तक वापिस नहीं होंगे, हमारा किसानों को समर्थन जारी रहेगा। पिछले चार महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो कानून आए हैं ये किसान के लिए, व्यापारी के लिए, सबके लिए ऐसा है। सारे उद्योग बंद पड़े हैं, कच्चा माल नहीं आ रहा है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, मजदूर परेशान है, लेकिन सरकार हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है और वो कोई सुनवाई नहीं करी है। इसी विषय को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष में किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है और चरखी दादरी पूर्णतया सर्वेक्षा से बंद है। हम लाला लाजपत राय चौक पे, हम बाज़ार में सब जगह घूम के आए हैं, सर्वेक्षा से दुकानदारों दुकानें बंद की हैं और अब दुकानदार और आने लग रहे हैं, यहाँ हम सब यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं लाला लाजपत राय चौक पर। हमने फतेहगढ़ हरियाणा में आज सुबह 6 बजे ही ये ट्रैक रोक दिया है और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और यहाँ भी सैकड़ों के हिसाब से बैठे हैं और हजारों की संख्या में किसान भाई आ रहे हैं और शाम के 6 बजे तक हम। तो देश भर में आज भारत बंद का असर देखने को मिला। बात अगर हरियाणा की जाए तो पलवल में हजारों किसान हाईवे पर धरना देकर बैठे नजर आए। इस बीच किसानों ने नेशनल हाईवे 19 जाम किया था, वहीं भारत बंद के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं पहुंची। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। हाँ, जो सानू संयुक्त मोर्चे वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया, पहला तो मैं सारे मीडिया का धन्यवाद करदा कि तुसी साडी आवाज़ दुनिया ते पहुँचाउणी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़ा संयुक्त मोर्चे वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया, असी तकड़े होके पिंडां दे विच जाके गड्डियां ते स्पीकर बन के आवाज़ां दित्तियां, क्योंकि अपनियां जमीनां जा रही हैं, अपना विकास जा रहा है, खेत मजदूर जो भी है सारिआं नूं इसी दा घाटा पऊगा, इस करके बहुत वड्डा इकट्ठ होया। इस इकट्ठ तो पता लगता भी देश के किसान, पंजाब के किसान, मजदूर सब जथेबंदी एक है, तो जो सानू उपरों हुक्म होया रोड बंद करन दा, वो असी सारे भारत दे विच सारे पंजाब दे रोड जाम लाए हुए है, तो इकट्ठ तो हर एक नूं पता लग रहा भी किन्ने लोग काले कानून के खिलाफ बैठे। जगों लगती नहर नूं बंदी छड़नूं जड़ नूं छड़नी पैंदी बंबी, फसलां रुलदियां ने विच मंडी, रातां जागणियां पैंदियां ने, कर गया देश तरक्की इह सरकारां कहिंदियां ने, इह सरकारां कहिंदियां ने। अज सारा देश दुखी है, अज सारा शहर बंद है, सारा हिंदुस्तान बंद है, ते किसानां दे नाल खड़ा है, क्योंकि साडा अन्नदाता पिछले कई महीनों तो दिल्ली दीआं सड़कां ते रुल रिहा है। अज सारा देश जाग चुकिआ है, समझ चुकिआ है इहनां नूं कि ये कल्ले राम मंदिर दीआं गल्लां करदे आ, पर जिहड़ा अन्नदाता है उहनूं इह दुखी करी खड़े है। अज सारे शहर की एक एक दुकान बंद है, सारा जिहड़ा व्यापार मंडल सारा शहर बंद है, इस वास्ते क्योंकि जे ये फसलां हरियां भरियां तो साडी कौली च भी चार दाने है, नहीं तो साडा भी ठूठा मुद्दा है, इस करके असीं सारे किसानां दे नाल खड़े हाँ। इन्हां दा एक भरम है जिहड़ा इह लोकां नूं कहिंदे कोई वक्खवादी है, कोई अत्तवादी है, कोई अत्तवादी नहीं, कोई वक्खवादी नहीं, जिहड़ा उत्थे किसान किसानों के भारत बंद का असर यात्रियों पर भी दिखाई दिया। दरअसल अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर बंद की वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए, जिससे यात्री परेशान दिखाई दिए। इस दौरान यात्रियों का कहना था कि सुबह से बैठे हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं, कब किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म होगा और रेलगाड़ियां चलेंगी। इसके अलावा बसों से भी आने जाने वाले यात्री परेशान दिखाई दिए। आठ बजे से यहाँ पे बैठे हुए अभी, और अभी तक बस यहाँ पे माइक पे अपडेट दे रहे हैं कि किसान आंदोलन करके अभी तक कोई ट्रेन की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, आगे कब आएगा ये भी नहीं बता रहे कब आएगा, और ना ही हमें कोई रेलवे की तरफ से कोई SMS या मैसेजेस वगैरह आए हों कि अपनी जो आगे की यात्रा है उसके ऊपर कुछ उसके आप कोई मतलब केयर करके भरते उस हिसाब से प्रिपरेशन होकर निकली है, कुछ ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आया।
सुबह से बैठे 8 बजे से, मक्खी, गंदगी, वॉशरूम इतना गंदा, बच्चे घर पे अकेले, न कहीं आ जा न जा सकते हैं, ना रुकने लायक है। किसी ने आपको सूचना दी थी इस बारे में कि इस प्रकार से? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रेलवे की तरफ से तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो तो बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ से अम्बाला आए हम। वहीं हरियाणा के टोहाना में 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर विभिन्न रास्तों पर जाम लगाकर नारेबाजी की गई। इस जाम के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों के इस भारत बंद के चलते शहर के मुख्य बाजार की दुकानें बंद नजर आई। इस दौरान शहर की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, मेडिकल दुकानें और किराने की दुकानें भी बंद दिखाई दी। इस जाम के दौरान किसान नेता महाराज सिंह कनहड़ी ने बताया कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते शहर के टाउन पार्क, रतिया रोड पर अखामाली और कैंची चौक, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया। सभी संगठनों से बातचीत करके सभी संगठनों का हमें सहयोग है और पूर्ण रूप से शहर बंद रहेगा। तो ये इसमें आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह जाम लगाएगा तो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जाम रहेगा और सारे रास्ते बंद रहेंगे। 3 कृषि कानून जो काले कानून है उनके विरोध में और MSP सरकार निर्धारित। हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण भारत बंद है और अनाज हरियाणा के अंदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के जो नेतृत्व है कच्चा आटे एसोसिएशन का, उसकी तरफ से कॉल है कि सारी हरियाणा की मंडियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। और जहां तक सवाल है, ये एक बिल्कुल अनुशासित बंद है, ऐतिहासिक बंद है। आने वाले समय और पहले समय ना कभी ऐसा हुआ ना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक बंद है। हर आदमी की भागीदारी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति का, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।